हेलो, और हम आ गए हैं आपके मंडे ब्लूज को भगाने के लिए हमारा प्रीव्यू शो लेकर, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे, पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड. सही है, आज है मैच नंबर 38, यानी कि राजस्थान वर्सेस मुंबई, खेला जाएगा जयपुर में. मैं हूँ वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर. विशाली जी, कैसी हैं आप? क्या चल रहा है? सर मैं ठीक हूँ, बिल्कुल आईपीएल का मजा चल रहा है, आप बताइए. बस वही आईपीएल का मजा लूट रहे हैं सब लोग मिलकर, और जानना चाहते हैं कि आगे कैसे बढ़ेगा कारवा सभी सभी के फेवरेट टीम्स का। बहुत ही दिलचस्प टूर्नामेंट बनता जा रहा है। बिल्कुल, और अब तो जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि रिवेंज वीक चालू हो गया है, तो पिछले मुकाबले में अगर सिमिलर हम देखें, इसका रिवर्स मुकाबला जब राजस्थान खेलने गई थी मुंबई में, मुंबई को हराया था उन्हीं के घर पे, तो मुंबई भी शायद हिसाब बराबर करना चाहेगी या फिर राजस्थान इस बार 2-0 कर देगी इस मैच में. इसी के लिए हम आए आपसे बात करने. तो शुरुआत करते सर राजस्थान से. पिछला मुकाबला बढ़िया से जीती, कोलकाता को उनके घर पे हराया, अब वापस अपने घर पे वापसी कर रहे हैं. कोई बदलाव देख रहे हैं आप इस टीम में? मुझे लगता है नहीं कि वो बदलाव करना चाहेंगे, और जिस तरह से उन्होंने जॉस बटलर को एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया, सही रणनीति थी। अगर नांद्रे बर्गर फिट हैं तो शायद वो नांद्रे बर्गर को खिलाना चाहेंगे, पर टीमों के लिए बहुत आसान हो गया इस टूर्नामेंट में प्लान करना अपनी रणनीति मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आपके पास 11 नहीं 15 खिलाड़ी हैं हर मैच में पिक करने के लिए, तो वो आपके लिए बहुत परफेक्ट बन जाता है। और जिस तरह से राजस्थान ने इस्तेमाल किया इस रोल को, जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, जैसा कि हम देखते थे कि राजस्थान के पास ऑलराउंडर्स की कमी नजर आती थी, लेकिन क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल आ गया है, पिछले बार भी देखा, इस बार ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है. पहले वो 3 ओवरसीज के साथ जाते थे और जाते हैं इस मैच में, और देखते हैं कि क्या बॉलर की जरूरत है या बैटर की जरूरत है, उस हिसाब से अपनी टीम में प्लेयर को ऐड किया जाता है. तो अच्छी रणनीति अभी तक तो नजर आ रही है, आगे देखते हैं क्या होता है. तो बता दीजिए फिर इसी के साथ प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर. प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मेरे हिसाब से एज यूजुअल जॉस बटलर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने मैच जिताया है कोलकाता में, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। फिर मेरी नज़र होगी युजवेंद्र चहल पर, क्योंकि वो और एक ज़बरदस्त प्रदर्शन कर कर चयनकर्ता को बताना चाहेंगे कि मेरे में आज भी वो दमखम है। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है कुलदीप सेन, क्योंकि उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में रफ्तार के साथ गेंदबाजी की है, और जहां सब लोग उमरान मलिक और मयंक यादव की बात कर रहे हैं, वहां पर कुलदीप सेन कह रहे हैं कि हमारी तरफ भी एक नजर देख लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि 150 कुलदीप ऐसा उनका टैग होता है, मतलब ऐसा उनका यूजर नेम है, और अराउंड दैट क्लिक करते हैं वो उनकी बॉलिंग स्पीड से. तो ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दूसरी टीम की, मुंबई. वो भी अपना पिछला मुकाबला, बहुत ही रोमांचक मुकाबला, पंजाब के अगेंस्ट जीत कर आ रही है उन्हीं के घर पर. तो थोड़ा सा मोमेंटम मिला है उनको इस मुकाबले में. क्या लगता है सर, कोई बदलाव दिख रहा है या फिर सेम टीम नजर आ रही है? मुझे लग रहा है लगभग सेम ही वो लोग स्क्वाड खिलाएंगे इस मुकाबले में भी, क्योंकि वो जीत कर आ रहे हैं, भले ही वो कैसे भी जीते, एंड में पॉइंट टेबल पर तो उनको 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो आई डोंट थिंक उससे कोई दिक्कत होगी। और आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो उनकी टीम जो है और ज़्यादा अब बेहतर लग रही है, सेटल्ड लग रही है, और जेरल्ड कॉडसी जो है अच्छा साथ दे रहे हैं जसप्रीत बुमराह का। ऐसा नहीं कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही विकेट निकाल रहे हैं, वरना क्या है कि वो 4 ओवर खेल लीजिए, बाकी के 16 ओवर में आप रन बनाए हैं, उस तरह की आप रणनीति ले सकते हो। पर आई थिंक जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की है, उनका साथ अच्छा दिया है जेरल्ड कॉडसी ने, पर उनकी कमी एक रही है कि वो जो स्पिनर है ना उसको चलना बहुत जरूरी है। क्या वो सुपर वो इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल उनको और बेहतर तरीके से करना चाहिए, जिस तरह से राजस्थान ने किया। और जैसे आपने बात करी बुमराह की, तो बॉलिंग अटैक ना, हालांकि कॉट्स ने विकेट निकाले, लेकिन सारे बॉलर को आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम बुमराह, सब 10 से ऊपर की इकोनॉमी में जा रहे हैं. तो अगर बुमराह किसी दिन, उनका खुदा ना खास्ता बुरा दिन हुआ, तो मुंबई जाएगी अच्छे से अच्छे, मतलब अच्छे ज्यादा रन देगी सामने वाली टीम को, सामने वाली टीम के पास अपॉर्चुनिटी होगी स्कोर करने. तो विकेट निकल रहे हैं, बट वो इन द मोमेंट निकल रहे हैं कि प्लेयर्स हिट करने जा रहे हैं, लेकिन जो बॉलिंग है वो अभी भी थोड़ी सी अनसेटल्ड, 10 के इकोनॉमी से अगर आप रन दे रहे तो नजर आ रही है, अभी भी थोड़ी सी कमी है बॉलिंग में. बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कमी तो है बॉलिंग में, पर बैटिंग में कोई कमी नहीं है। बैटिंग तो एकदम ज़बरदस्त है उनकी, और आई थिंक वो चाहेंगे कि वो बल्लेबाज फिर से चलने लगे, क्योंकि अगर जो नाम है उनके लाइनअप में अगर वो चल पड़े, वो सनराइजर्स हैदराबाद को टक्कर दे सकते हैं रन बनाने के मामले में।
बिल्कुल, ये बात तो सही है। और उन्होंने उस मैच में भी अराउंड के स्कोर तक तो पहुंचा ही दिया था, 230-30 तक तो पहुंचा ही दिया था। तो चलिए इसी के साथ बता दीजिए सर, आप प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। देखिए, मेरे लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मुंबई में पहली बात तो है सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वो जबरदस्त जबरदस्त T20 बल्लेबाज है। मेरे मतलब मैं उनको बहुत चाहता हूँ कि वो और ज़्यादा रन बनाए T20 क्रिकेट में। वो जिस तरह से बल्ला घुमाते हैं, मज़ा आता है देखने के लिए। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है जसप्रीत बुमराह, ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो है ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है और बहुत ज़्यादा पारखी नज़र है वो है हार्दिक पांड्या, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त कोई भी हार्दिक पांड्या बनने की कोशिश ना करेगा, क्योंकि वो जिस तरह का दबाव में है, मेरे ख्याल से कोई और उस तरह का दबाव झेल नहीं सकता इस वक्त। बिल्कुल, और इसी के साथ बता दीजिए विन प्रेडिक्शन। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वैशाली जी की राजस्थान का पलड़ा भारी है, क्योंकि क्योंकि राजस्थान जो हारी हुई बाजी को जीतना वो एक कला है जो शाहरुख खान ने दिखाया और जॉस बटलर ने दिखाया, और जॉस बटलर ने शाहरुख खान के टीम के खिलाफ ही दिखाया वो कला। तो मेरे ख्याल से मैं राजस्थान के साथ जाऊंगा। बिल्कुल, मैं अग्री करती हूँ और मैं भी राजस्थान को ही सपोर्ट कर रही हूँ, या फिर मेरा भी प्रेडिक्शन यही है कि राजस्थान जीतेगी इस पर्टिकुलर मुकाबले में। और मुझे बहुत जोर से ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि यशस्वी जायसवाल की फाइनली वो नॉक जो हम वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, जिससे जिसके लिए यशस्वी जायसवाल ने बहुत सुर्खियां बटोरी है पिछले IPL में, टेस्ट सीरीज में आप बात कर लीजिए रन बनाने की, तो मुझे लग रहा है कि ये वो मुकाबला है जब मेरे को ब्रेक इनिंग्स आने वाली है यशस्वी जायसवाल की। जीतेगी राजस्थान क्योंकि मुंबई ने जो का मुकाबला भले ही जीता भी, लेकिन पंजाब के अगेंस्ट जीता, जो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में ऊपर नीचे हो गए, लेकिन राजस्थान वो गलतियां नहीं करेगी। और राजस्थान इस पर्टिकुलर IPL में मुंबई के साथ 2-0 की वो स्कोर लाइन को मेंटेन करेगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए देख लेते हैं, बस कुछ ही घंटों की बात है। बिल्कुल, आप भी बताइए आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस मुकाबले में और कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच या फिर प्लेयर ऑफ द मैच। हम आपके लिए ऐसे शोज लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू अगेन।